खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इनेलो नेता अभय चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय सर, आज बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का जिस तरह से उपचुनाव का एक दौर चल रहा है, तो ऐसे में सभी नेता जो है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में चक्कर लगा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और यहाँ के कई गाँव में उन्होंने एक छोटी छोटी जनसभाएँ भी की। यहाँ पर उन्होंने दो तीन बातें रखी कि कई गाँव में तो उन्होंने 24 घंटे बिजली का बात कही और एक उन्होंने बात कही कि भ्रष्टाचार पे तो हम लगाम लगा रहे हैं लेकिन जातिवाद कुछ पूर्व में रहे लोगों ने घोला था प्रदेश की जनता में, तो उस जातिवाद को ख़त्म करने का काम करें। जात पात की राजनीति जो है इस प्रदेश में कभी नहीं थी। जात पात का अगर कोई जन्मदाता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहली दफा ऐसा हुआ कि जब जाट आरक्षण को लेकर के लोग मुख्यमंत्री से बारी बारी मिल रहे थे, मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया लंबे समय तक, और जब जो उस आंदोलन से जुड़े हुए लोग जो जाकर के मिल के आते थे उन्हें एहसास हो गया कि केवल टाइम पास कर रहे हैं, तब उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन में बातचीत के जरिए उसको खत्म करने की बजाय 32 बच्चों को मौत के घाट उतारा और उस वक्त 8 और 9 ऐसे जिले थे जिनमें सरेआम जाटों को टारगेट किया गया, जहां कहीं कोई प्रतिमाएं लगी हुई थी, कहीं सर छोटू राम की थी, कहीं चौधरी देवीलाल की थी, उन प्रतिमाओं को भी खंडित करने की कोशिश करी। राजकुमार सैनी को, जो उनका मेंबर पार्लियामेंट था उस वक्त का, उसको यूज किया और उसने खुल करके जात पात का जहर इस प्रदेश में घोलने का काम किया। अब मुख्यमंत्री सफाई देता फिर है कि मैं जात पात खत्म कर दूंगा। हमारी विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने जात पात पे चर्चा करी। मुख्यमंत्री ने तो रोहतक में बयान दिया था कि मैं पंजाबी हूँ इसलिए मुझे वोट दो। लोग कैसे भूल जाएंगे उन बातों को। जात पात को जहर घोलने वाला, बढ़ावा देने वाला कोई और नहीं, समय मुख्यमंत्री हैं। सर, बड़ौदा को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है? 15 तारीख के बाद प्रोग्राम बनाऊंगा। आज पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाई है कि हमारे जितने भी पुराने साथी हैं, आज चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हैं, आप उनसे संपर्क करो और उनसे कहो कि मैं 15 तारीख के बाद उनके घरों में उनसे मिलने जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा गढ़ रहा है। यहाँ के लोगों ने चौधरी देवीलाल को ताकत दी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उम्मीदवारों को जिताया और आज भी लोग हमारे साथ हैं। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ घूम रहे हैं मैंने सुना है, जो चुनाव में तो नहीं आएंगे, अब कहीं लोगों को बरगड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो, क्योंकि लोग उनसे दुखी हो गए, तंग हो गए, अब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको रोक लें। जिन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया, जो चौधरी देवीलाल के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं वो उनके कहने से नहीं रुकेंगे। सर, आपने एक और बड़ी बात कही कि जिस तरह से जो सम्मान दिवस मनाया गया था देवीलाल जी का, यहाँ से पार्टी का कहीं ना कहीं एक फुट की स्थिति पैदा हुई थी, तो आपने कहा कि यहीं से दोबारा फिर खड़ी करेंगे। गुआना का पार्टी है ना बड़ौदा, मैंने कोई गलत थोड़ा ही कहा है। बड़ौदा के उपचुनाव के नतीजे जो होंगे वो बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और आप तो सारा दिन यहाँ लोगों से मिलते हो, जिन लोगों को मेरे प्रति
सुनने को तैयार नहीं थे, जिनमें इतना जहर हिला रखा था कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा उनके लिए हवा बना हुआ था। अब उनको असलियत का पता लग गया, सच्चाई जो है जो आज लोगों के सामने आ गई। झूठ के कोई पैर थोड़ी होते हैं, झूठ तो बोली जाती है। मान के चलो झूठ जो है ज़्यादा लंबे समय तक निभ भी नहीं सकते। हमारी कहावत है बोले काट की हंडी की रोज चढ़ा करें, एक बार सूत बैठ की बहुत है। अब तो लोग जो है 100% सारी बातों को भांप चुके, सारी बातों से अवगत हो चुके, अब लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सर, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे किसान हैं, क्योंकि जो मतदाता है मैक्सिमम वही है, जो कोई बड़ी सिटी नहीं है, कोई टाउन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ एक शुगर मिल है जो भी शायद ओम प्रकाश चौटाला जी के समय ही लगा था। चौटाला साहब ने शुगर मिल की स्थापना कराई थी। और आप कह रहे हो ना कि ज़्यादातर किसान, ज़्यादातर नहीं, 99% ही किसान है। सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे कोई उसमें मजदूरी करने वाला है, चाहे कोई अपने खेत में कमा करके खाने वाला है। कोई व्यवसाय नहीं और दूसरा लोगों के पास। और किसान को इस सरकार में जितना अपमानित होना पड़ा है और किसी कौम को नहीं। तो क्या वो जो आप अपमान की बात कर रहे हैं, उस अपमान का बदला इस बड़ौदा उपचुनाव में? यहाँ का जो किसान है, जो अपमान 8 महीने में हुआ है, जो 5 साल पीछे लुटता रहे, उस अपमान का बदला लेगा? ये तो थे हमारे साथ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादातर किसान हैं और किसान इस सरकार में कहीं ना कहीं अपमानित हुए हैं, और उस अपमान का बदला बड़ौदा उपचुनाव से लेकर प्रदेश में एक नई राजनीति की बिसात जो है वो बिछेगी। केएनएन मीडिया के लिए गोहाना से अमित सबरवाल के साथ अरुण कुमार।